जो चीज़ बहुत ही सच है और एकदम सच है वो बहुत ही सरल होता है, उसके सुनने में कठिनाई नहीं होती है, अभ्यास भी होता है। लेकिन अभ्यास हम करते नहीं हैं, इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि हम घर में सोचें, परिवार में एक माँ है और अनेक बच्चे हैं, माँ कोई बहुत अच्छा काम करना चाहती है, बच्चे अड़चन डालते हैं, कोई पैर पकड़ के लटकता है, कोई हाथ, कोई कमर, कोई पीठ पे चढ़ जाता है, कोई आगे खड़ा होता है, कोई पीछे, तो माँ काम नहीं कर पाती है। ऐसे क्रिया योग ध्यान में है, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही प्रभावशाली है, इसका अभ्यास करना भी सरल है। लेकिन जो परमात्मा के अनेक रूप प्रकट हुए हैं, जिनको हम परमात्मा के बच्चे कहते हैं, मन भी परमात्मा का बच्चा है, बुद्धि भी है, जो 24 तत्व हैं ये सभी उनके बच्चे हैं, ये सब लिपट के खड़े हो जाते हैं, अभ्यास नहीं करने देते। कहीं मन बाधक होगा, कहीं इंटेलिजेंस बुद्धि, कहीं इंद्रियाएं, कहीं पर अहंकार तत्व जो जीव भाव है, जिसकी वजह से डर लगती है, ये भाव कि हम छोटे हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, ये भाव, ये काम कठिन है, इससे तरह तरह के जो विचार हैं बाधा देते हैं। क्रिया योग ध्यान है क्या? स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी किसको कहते हैं? जर्नी हमारी एटम से इलेक्ट्रिसिटी की ओर, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से स्पिरिचुअल फील्ड। स्पिरिचुअल फील्ड का अर्थ ये है कि मूल तत्व जो विद्युत के रूप में है, जो चुंबकीय शक्ति के रूप में है और परमाणु के रूप में है, उस मूल तत्व को पकड़ना, वो है कहाँ मूल तत्व, जिसको हम परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, उसी को पकड़ते जाइए, यात्रा शुरू हो जाएगी। परमाणु के अंदर विद्युत, विद्युत के अंदर चुंबक, चुंबक के अंदर स्पिरिचुअल फील्ड, सिर से पैर की उंगली तक इसको पकड़ने का प्रयास करिए। कैसे पकड़ेंगे? अनुभव करिए, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पीठ कहाँ है, पेट और सीना, गला, चेहरा, सिर, इसको बस पकड़ते जाइए, अनुभव करते जाइए। जो अनुभूति हो उसको स्वीकार करिए कि सब कुछ यही है। इस तरह से हम इसको पकड़ना सीखते हैं, हमारी यात्रा शुरू हो जाती है अणु परमाणु से विद्युत की ओर। कैसे शुरू होगी? सिर से पैर की उंगली तक ये पूरा ऊर्जा के तरंग के रूप में अनुभव होगा। इसमें कोई चीज़ हल्कापन भारीपन नहीं लगेगा। और गहराई में आइए तो चुंबकीय शक्ति के रूप में लगेगा, जो कोई भी सोचता है उसको जान जाएंगे। और गहराई में आइए तो हमें स्पिरिचुअल फील्ड का ज्ञान होगा कि सब चीज़ का कारण क्या है, कौन सा परम तत्व तो इस रूप में प्रकट हो रहा है पूरी दुनिया के रूप में, उसका ज्ञान हो जाता है। उसका ज्ञान होते ही हम जो चाहें वो बना सकते हैं। तो है तो बहुत ही आसान, सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए, बस जो अनुभव हो उसको स्वीकार करते जाइए कि ये सब कुछ है। हमको चाहिए शक्ति, ज्ञान, शांति, आनंद, हम अमर होना चाहते हैं, अमृत चाहते हैं, सब कुछ यही है। ऐसे अभ्यास करते करते याद रखे लाड़ी महाशय का सुझाव, बनत बनत बन जाई। अभ्यास करते करते एक दिन ज्ञान हो जाएगा सच का। सच क्या है? कि जन्म मृत्यु होता नहीं, हम सीमित नहीं हैं, हर जगह पर हैं,
जैसे आसमान हर जगह पर है वैसे हम भी हर जगह पर हैं। हम ज्ञान रूप हैं, शक्ति रूप हैं, शांति रूप हैं, आनंद रूप हैं, ये सब पता चलता है। ये पता चलते ही हम क्या कहते हैं कि अज्ञानता से मुक्ति मिली, इसी को मोक्ष कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रूथ, इट इज वेरी इजी टू लिसन, वेरी इजी टू प्रैक्टिस। ट्रूथ इज हैविंग टेक्निकल नेम, वी कॉल इट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। What is spirituality? We know atom and molecules. When try to hold atom and molecules, try to go inside, you will find electrical field. Go inside electrical field, you will get magnetic field. Go inside magnetic field, you will get spiritual field. And what we realize, spiritual field is a manifesting in the form of magnetic field. Is a manifesting in the form of electric, then atom. Aim is to get a spiritual field. How to get it? Feel head to toes. When you feel it, accept it is presence of all things. I want power, it is presence of all kinds of power. I want knowledge, it is presence of all kinds of knowledge. I want peace, it is presence of ever new peace. We want joy, joy which does not bring boredom, something new. What we feel, it is ever new joy. It is immortality. Try to feel head to toes and accept all things with this idea, thought and concept. Just try to practice it with this memory, with this thought, what Larima has advised. Do not lose patience, have infinite patience. Remember, banat, banat ban jai. Keep on practicing, you will achieve it. This is the important point we should remember. Practice is very simple, because head to toes what we feel. Inside, one child of God is there, mind opposes. Mind does not like to feel something new. But when we concentrate on it to, you will feel each and every moment something new. And mind does not like it. Intelligence misinterpret. Therefore, misinterpretation and not liking by mind is big hindrance. And inside there is an ego consciousness, we call it Jiva Atma. Its nature is to have fear. Whatever you experience in it, you get fear. Sometimes fear is so deep, we get a heart failure. Therefore remember, just practice with this thought, strive and strive, you will achieve. Practice and practice, you will make. Banat banat ban jai. Let us close our eyes. Aankhein hum band kar le. Anubhav kare. Sir se pair ki anguli tak is alaukik rachna ki. Anubhav karte jaye. जो भी अनुभूति कर रहे हैं सब कुछ विद्यमान है इस अनुभूति के रूप में। कीपिंग आईज क्लोज, फील हेड टू टोज, प्रेजेंस ऑफ हेड टू टो, वी एक्सपीरियंस इज प्रेजेंस ऑफ ऑल थिंग्स। हेड टू टोज परसेप्शन, it represents all in all. Now place both palms on the posterior surface of head. Locate head and spine.
try to feel head and spine all the time while working and resting. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें, सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएं. सभी कर्मों को करते समय सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं. Feel head and spine more and more. When we are working, try to feel head and spine more and more. Observe our breath. Moment we experience presence of head and spine and breath and Bhumadhyaya, then we realize journey towards ultimate truth is very easy. From atom to electricity to magnetic field to spiritual field, this journey will be very easy workshop. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, श्वास अनुभव करते ही भ्रूमध्य पर मन को और एकाग्र करें तो यात्रा बहुत आसान हो जाती है. अणु परमाणु से विद्युत की ओर, विद्युत से चुंबक की ओर, चुंबक से आध्यात्मिकता की ओर. इस तरह से हम अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं. फिर बहुत धीरे धीरे हम शरीर को दाहिनी तरफ, फिर धीरे धीरे बाईं तरफ, पीछे की तरफ इस प्रकार झुकाएं कि झुकाने में अच्छा लगे. Placing both palm on the posterior surface of head. Curve head and spine towards the left, towards the right, backward, forward slowly. In this bending practice, whatever we realize, what we experience, accept all presence of all in all. Bending should be very comfortable. दाहिनी तरफ, बाईं तरफ धीरे धीरे झुकाते जाएं, स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं. फिर धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़े, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ मोड़े. कर्व हेड एंड स्पाइन स्लोली बैकवर्ड एंड कर्व स्लोली फॉरवर्ड. Feel head and spine more and more. In this practice, whatever we realize, keep on concentrating on it and accept it more and more, then we will have our continuous journey towards a spiritual consciousness where we will learn science of creation, preservation and change. Phir haathon ko upar uthaye, raise arms up, mutthi band kare khole, clench fist open palm alternately, haathon ko upar niche kare, move arms up and down. हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स, देन ओपन आईज, आंखें खोलें. अब देखिए, जैसे कोई एक आर्टिकल लिखा जाए, एक ऐसे कहा जाए, सभी लोग लिखिए स्काई के बारे में, आसमान क्या है. आप देखेंगे सबकी लिखावट अलग होगी. जो सब लिखेंगे अलग अलग होगा, इसका मतलब सबकी समझ अलग अलग है. जब सबकी समझ अलग अलग है तो समझ तो एक ही सही होगी. तो सही समझ क्या है? जब मन और शरीर के बीच की दूरी, ये शरीर है, इसके और मन के बीच दूरी शून्य हो जाती है, तब जो लिखेंगे आसमान क्या है, बिल्कुल सही लिखेंगे. शरीर मन के बीच में दूरी शून्य होगी तो कैसे लगेगा?
जैसे गहरी नींद में लगता है। गहरी नींद में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इस समय हम गहरी नींद वाली अवचेतन स्थिति में नहीं होंगे, हम जागृत होंगे, आँख खुली होगी, काम करते होंगे, लेकिन सारी हमारी स्थितियाँ गहरी नींद की तरह होंगी। हम इन सब द्वंद्वात्मक चीज़ों से ऊपर होंगे, हल्कापन भारीपन कुछ नहीं लगेगा, न गर्मी न सर्दी, हम नर हैं कि नारी कुछ भी नहीं पता, किस देश के हैं, किस जाति के हैं, क्या धर्म है, इस सब भाव से हम ऊपर होंगे। हम कैसे भाव में होंगे उसके लिए कोई वर्णन नहीं है। जब शरीर मन के बीच में दूरी शून्य हो जाती है तब ज्ञान हो जाता है स्पिरिचुअल फील्ड का। उसी समय यह भी ज्ञान होता है जो चाहे बना ले, जब तक चाहे रखें, जब चाहे बदल दें उसका रूप। अब ये सिर से पैर की उंगली तक शरीर है, मन इस पर एकाग्र करिए, जो जो अनुभव हो उसको स्वीकार करते जाएगा मन, तभी तो दूरी घटेगी। अगर स्वीकार नहीं करेगा तो दूरी बनी रहेगी। अगर लगता है गर्मी लग रही तो दूरी है, जाड़ा लग रही तो दूरी है, तो न गर्मी होगा न जाड़ा होगा, क्या होगा पता नहीं, क्या शब्द है, न हल्कापन न भारीपन, न कड़ापन न ढीलापन, इस तरह का होता है। मैंने प्रैक्टिस दिस, इट इज वेरी सिंपल प्रैक्टिस, दिस इज जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस, बट मैंने प्रैक्टिस व्हाई वी फील प्रॉब्लम, इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्पेस एंड डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। If you start reducing distance between body and mind, imagine that space becomes zero. At the same time, you will realize you are in a spiritual field. Then you know how to create anything, how to preserve it, how to make it change. Moment we experience there is a distance between body and mind, then we will experience weight, mass, volume, heat and cold, comfort, discomfort. Therefore, try this practice again and again. Place concentration of mind on head to toes. Whatever you feel, keep on accepting it. Try it again and again, again and again. With this principle, banat banat banjai, strive and strive, you will achieve it. Then, bar bar abhyas kare, sharir man ke beech mein duri ghatate jaye. Jo kuch anubhav hota, ghabraye mat. Usi mein aur ekagra ho jaye. एकाग्र होते होते एक दिन आएगा, हल्कापन भारीपन पता ही नहीं चलेगा, न गर्मी न सर्दी, एक ऐसी स्थिति होगी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसी स्थिति को कहते हैं कि हम सच के साथ हैं, हम आध्यात्मिक फील्ड में आ गए। उसी स्थिति में ज्ञान हो जाता है कैसे कोई चीज़ बना लो, उसको जब तक चाहें उसको रखें, उसका रूप बनाए रखें, और जब चाहे परिवर्तन कर दें। ये है, इसको बार बार सुनिए और अभ्यास करते जाइए। लिसन इट रिपीटेडली एंड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। दिस इज द ब्रीफ मैसेज फॉर टुडे। आइए हम क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया का मेडिटेशन भी है।